मेरे घर के जो चार दीवारी में है उन्हें ही पता था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, ठीक बाकी है। मेरे बहन भाइयों को किसी को नहीं पता था, मेरे किसी रिश्तेदार को नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। जो समझौता एक्सप्रेस चली थी, ट्रेन और हमारी बस चली थी, इन दोनों के नामों में कुछ फ़र्क था? नहीं, नामों में कोई फ़र्क नहीं है, इसका भी नाम समझौता एक्सप्रेस ही था। अच्छा, पहली दफ़ा समझौता एक्सप्रेस में आपने स्टीयरिंग संभाला, क्लच दबाया, वो एक बार यादगार है ना, वो क्या था कि क्या टारगेट भी था कि भाई मैं भी जब मुझे फुर्सत मिलेगी एक बार मैं वो चीज़ देख लूँ। तो आप लोग बॉर्डर के अंदर से बस से जाते थे? हाँ, तो गेट हाँ, जो गेट है, हाँ, ये हमारा गेट खुल गया, हाँ, हम इंटर हो गए, बिल्कुल उनका गेट खुल गया, हम वो अंदर हो गए। अच्छा, गेट बंद हो गए वापसी। हम लोग पंजाबी हो के भी इतनी मीठी पंजाबी नहीं बोल सकते जितनी वहाँ बोली जाती है, ये लाहौर वाली इतनी मीठी पंजाबी कि मतलब दिल करता था कि आपके साथ में घंटों बैठ के मैं बात कर सकता हूँ। क्या बात है। टिकट और सारा जो खर्चा था ये एक्चुअली था कितने का उस टाइम पे? मतलब ये 900 रुपये शायद था, मेरे प्रॉपर ध्यान है 900 और 1000 के बीच में था। वाह। राम राम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केशव मुल्तानी और आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली, दिल्ली मोतीबाग, मोती नगर जी, दिल्ली मोती नगर में आप पहुंचा हूं। और पार्टीशन के हवाले से नहीं, लेकिन हमारे दोनों देशों के बारे में, हमारे मुल्कों के बारे में एक बड़ा ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग वाक्या जिसको 6 महीने तक पिरोया गया, और उसको पिरोने वाले देवेंद्र तनेजा जी मेरे साथ हैं। बातें बड़ी कमाल की होंगी, और अब तक हम आपने इसके बारे में सोचा तो होगा लेकिन कभी सुना नहीं होगा, तो लेकिन सारा किस्सा देवेंद्र जी की ज़ुबानी है। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। देवेंद्र जी, आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम करते थे? हाँ बिल्कुल थे। अभी आप रिटायर हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो इस एपिसोड की जर्नी है वो आप ही के ट्रांसपोर्ट से शुरू होती है? बिल्कुल जी। जो दो लाइनों की बात मैंने सुनी है उसको अगर थोड़ा सा खुलासा करें, तो किस दिन आपको ये पता चला था कि कोई एक ड्राइवर चाहिए और बाकी सब लोग मना कर चुके हैं, तो वो क्या किस्सा था? इसमें मना वाली बात तो नहीं थी, लेकिन मेन ये था कि हमारे 40 यूनिट है, मतलब 40 डिपो हैं, ठीक है, उसमें से डिपार्टमेंट ने कहा था दो दो ड्राइवर जिनका कि उसमें कंडीशंस थी काफ़ी सारी, जैसे रेगुलर हो, पंक्चुअल हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोई कंप्लेंट नहीं हो, मतलब नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि नीट एंड क्लीन हो, एफिशिएंसी भी हो, वे ऑफ टॉकिंग वो देखते हैं, सारा कुछ इस तरीके की कुछ कंडीशन थी जिसकी वजह से हर यूनिट से दो दो ड्राइवर सेलेक्ट किए गए, ठीक है। फिर उनका इंटरव्यू हुए, उनकी सिलेक्शन हुई, कम होते होते उन 80 में से मेरिट में इन्होंने 6 ड्राइवर लिए, ठीक है, उसमें नंबर 1 था मैं, बाकी 5 और थे। तो जो क्योंकि एक बस पे दो ड्राइवर जाने होते थे, ठीक है, कंडक्टर था नहीं, कंडक्टर होता भी नहीं है उसमें, ठीक है, तो उसमें से दो ड्राइवर जाते हैं ताकि वो बारी बारी से अपने आप को चलाते रहें और सारी गाड़ियाँ आराम से टाइम से पहुँच जाए बिना किसी रुकावट के। लेकिन क्या ये आपको पता था इंटरव्यू देने से पहले कि मैं एक ऐसी बस का ड्राइवर बनने जा रहा हूँ जो कि दिल्ली से लाहौर पहुँचनी है या दिल्ली से पाकिस्तान पहुँचनी है? नहीं, देखो डिपार्टमेंट में है तो ये सब बातें तो नेचुरल है कि अच्छा, भी पता रहती है, ठीक है, और पता लगी जाती है भी सिलेक्शन हो रहा है तो बुलाया है तो किस लिए बुलाया, ठीक है, तो यहाँ नहीं पता लगा जहाँ सिलेक्शन, जब आप शॉर्ट लिस्ट में आ गए, शॉर्ट लिस्ट में आए तब ज़्यादा इसके बारे में हुआ, मेरी सारा डिपार्टमेंट से इंक्वायरी भी हुई, आप किस तरीके का आपका रहन सहन है वो सारा इंक्वायरी हुआ, सब कुछ हुआ, जो भी मतलब इसमें सेफ्टी पर्पस से होना चाहिए था उन्होंने किया। तो उसमें कहीं ये बात भी ज़रूर क्लियर हुई होगी उनकी नज़र में कि आप लोग भी तो माइग्रेटेड हैं?
ऐसा कुछ नहीं है, माइग्रेटेड वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आदमी होता ही है कि जब इंक्वायरियाँ होती है तो जाहिर सी बात है, वो सारा कुछ फैमिली, भाई इसका जहाँ ये रहता है, कहाँ जाता है, सारे दिन की इसका कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या इसकी डेली घर आने रूटीन के है। बाद डेली रूटीन क्या है, घर की फैमिली क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या आस पड़ोस में उसका क्या रवैया है, तो मतलब ये सब चीज़ें तो नेचुरल है और होनी भी चाहिए, मैं इसको बुरा नहीं मानता बिल्कुल, ये और बहुत ये बड़ा मुद्दा ज़रूरी भी था। है, क्योंकि सेफ्टी पर्पस की वजह से ये सब काम हुआ और ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं। ये कौन सा सन था? ये सन था 1999। यानी कि जब अटल बिहारी साहब ने समझौता एक्सप्रेस हाँ चलाई जी, जब थी। ये स्टार्ट हुई है तब से ही काम शुरू हुआ है। अच्छा, जो हालांकि समझौता एक्सप्रेस चली थी, ट्रेन और हमारी बस चली थी, इन दोनों के नामों में कुछ फर्क था? नहीं, नामों में कोई फर्क नहीं है, इसका भी नाम समझौता एक्सप्रेस ही था, अच्छा, बस का नाम भी समझौता बस बस एक्सप्रेस और ट्रेन का नाम भी क्या समझौता हाँ, एक्सप्रेस। ओके। इसमें चलता था सारा कुछ, मतलब हफ्ते में ये 4 दिन चलती थी, 2 दिन हमारे हिंदुस्तान की, हाँ, 2 दिन पाकिस्तान की, पाकिस्तान की, ठीक है। लेकिन ये चलती सब क्रॉस में थी, मतलब हमारे यहाँ से 6 बजे चली है तो उनकी भी वहाँ से 6 बजे चलती थी, ठीक है, तो वो यहाँ आती थी हम वहाँ जाते थे, ठीक है, वो नाइट स्टे यहाँ करती थी हम नाइट स्टे वहाँ करते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि भाई नेक्स्ट डे फिर हमने वेडनेसडे को, सपोज ट्यूसडे को हम गए हैं, वेडनेसडे को हम वहाँ से चलेंगे, पाकिस्तान की गाड़ी वेडनेसडे को यहाँ से यहाँ से जाएगी, जाएगी। मतलब आम पब्लिक के लिए हफ्ते में 4 दिन गाड़ी अवेलेबल थी, ट्यूसडे वेडनेसडे और फ्राइडे सैटरडे, ये ठीक है। 4 दिन जो है गाड़ी वहाँ आती जाती थी। जब आप शॉर्टलिस्ट हुए थे तो आपके आपके माइंड में ये तो आया होगा, भाई शॉर्टलिस्ट में आ गया, अब मैं शायद उनमें सेलेक्ट भी हो जाऊंगा, ऐसा कुछ था माइंड में? नहीं, माइंड में तो खैर क्या था, लेकिन हाँ जिस तरीके से हमारा रहन सहन है हाँ, या हमने अपनी लाइफ को मेंटेन किया या जैसे भी हम रहे हैं, जी। तो उससे ना होने वाली तो कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि सबके इंटरव्यू जितने भी ड्राइवर आए थे और उन सबके इंटरव्यू सब एक साथ तो हुए नहीं, बिल्कुल। सबको अलग अलग बुलाया गया, सबको अलग अलग उनसे क्वेश्चनिंग हुई, सारा कन्वर्सेशन हुआ, सब कुछ पूछा गया किया गया उनके, और चलने का कैसे चलते हैं, क्या उनके अच्छा। वॉकिंग है, किस तरीके से बिहेव ट्रैकिंग ट्रैकिंग क्या है उसका, वो किस तरीके से आता जाता, कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे बैठ रहा है, या बाहर बाहर बैठा है तो वो क्या कर रहा है और क्या इस तरीके किससे क्या बात हो रही है उसकी, वाह वाह वाह। तो वो ये सब चीज़ें नोट करते हैं और वो ज़रूरी भी है, वो मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसका भी सिलेक्शन होना है या जितने भी लोग, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, सभी के साथ हुआ, अच्छा, 6 के 6। सभी के साथ हुआ है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ या जो इंटरव्यू में आ रहे थे उन सबके तभी तो मेरिट बनी, जी। उनमें से कम होते गए मेरिट होती गई, तो लास्ट में हम 6 उन्होंने सेलेक्ट किए, ठीक है। 6 में नंबर 1 था मैं, तो मुझे ये सौभाग्य मिला, जाने का मौका मिला और मैं इसको कर पाया। आपने कहा मुझे सौभाग्य मिला, यानी कि आप पॉजिटिवली इस चीज़ को ले रहे थे कि मुझे जाना है, मेरे को अंदर से भी ये है कि मैं जाऊं, ऐसा भी? नेचुरल सी बात है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग सारे पाकिस्तान से थे, बिल्कुल। तो जिसकी वजह से ये रहता था कि यार हम लोग तो यहाँ हैं, वो लोग किस तरीके के होंगे या कैसा एटमॉस्फेयर होगा या कैसा कल्चर है वहाँ का, क्या है क्या नहीं, तो उस वजह से जो है तो थोड़ा सा रहता ही है, क्रेज तो रहता ही है। बिल्कुल। एक बार 20 साल पीछे चलते हैं, पहली दफ़ा समझौता एक्सप्रेस में आपने स्टीयरिंग संभाला, क्लच दबाया, वो एक बार यादगार है ना, वो क्या था कि क्या टारगेट भी था कि भाई मैं भी जब मुझे फुर्सत मिलेगी एक बार मैं वो चीज़ देख लूँ, ऐसा कुछ? वैसे एक बात मैं आपको बताऊं हाँ कि जो बस हमारे डीटीसी ने बनाई थी, डीटीसी मतलब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जी। उन्होंने जो ये बस बनाई है, ये बस मतलब
ऐसी इतनी कंफर्टेबल थी, इतनी कंफर्टेबल थी कि मतलब आप हवाई जहाज़ में अगर आप बैठे, वो हवाई जहाज़ तो उड़ता है जी, ठीक है, बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं प्लेन के अंदर उससे उसी की तरीके की फैसिलिटी आपको उस बस में मिलती थी। ओके। उस बस में टेलीफोन, उसमें ऑडियो वीडियो फैसिलिटी, उसमें फैसिलिटी उसमें, और जैसे फ्लाइट में आपको टाइम पास के लिए हेडफोन देते हैं, फिल्म्स का फैसिलिटी, ऐसे ही हमारी बस में हर सीट के ऊपर हेडफोन था जी, और सीट के साइड में नीचे बटन थे, ठीक है, आपको ऑडियो भी चल रहा है वीडियो भी चल रहा है जी, और दोनों में जो है आपको जो सुनना है आप सुन सकते हो उस बटन को अप डाउन करके, कि अगर आपको ऑडियो सुनना है तो उसको डाउन कर लीजिए तो ऑडियो शुरू हो जाएगा, चल सब कुछ रहा है, बिना हेडफोन के आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, टीवी दिखेगा ज़रूर आपको कि हाँ टीवी चल रहा है, उसमें पिक्चर आ रही, कौन सी आ रही, क्या हो रहा है, वो सब कुछ पता लगेगा, लेकिन आप सुन नहीं सकते उससे, क्योंकि विदाउट हेडफोन। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ था उसमें। सवेरे हमारी गाड़ी में हर पैसेंजर के लिए, हर पैसेंजर के लिए एक पानी की बॉटल, एक वेपर्स, एक फ्रूटी हर सीट के ऊपर अवेलेबल होती, हर पैसेंजर के लिए अवेलेबल होती थी। ठीक है। वो एक ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है, दूसरा ड्राइवर फिर इन सब काम को, अंदर के काम को जितना भी है उसको मैनेज करता है। टेलीफोन लगा हुआ था थ्रू आउट, चलती बस में आप थ्रू आउट वर्ल्ड में आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी आप फ़ोन कर सकते हो। और उसकी चार्जिंग वही एसटीडी वाली, जो पहले एसटीडी चलते थे, आपको मोबाइल है, बिल्कुल, उस टाइम तो एसटीडी चलते थे, तो एसटीडी से पेमेंट होती थी, वो पेमेंट बिल विद बिल आता था, आपको बिल दिया जाएगा बकायदा, आप वो बिल से पेमेंट करो, पेमेंट करके वो फिर हम अपने डिपार्टमेंट में सबमिट कर देते थे। ठीक है। उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। तो कोई ड्रेस कोड भी था आप लोगों का? हाँ, वो तो DTC की यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो कंपलसरी है, उसके बगैर, उसके बगैर हमारी क्या पहचान है, और पैसेंजर में और हमारे में डिफरेंस क्या है? जी जी जी, मैं वही पूछ रहा हूँ। तो किस तरह का था वो? तो हमारी अपनी इसके लिए अलग से डार्क ग्रे कलर की यूनिफॉर्म बनाई गई थी। ठीक है। सफारी टाइप। हाँ जी, मतलब सफारी था वो, सफारी बनाओ, बना के अपने साइज का वो डिपार्टमेंट कपड़ा दिया था, सब स्टिचिंग भी देती है। हाँ, सब कुछ दिया अपना, एक फ्लैग जरूर होगा ना इंडिया का, वो टैग तो छोटा सा एक फ्लैग टैग, फ्लैग नहीं था, हमारे नेम प्लेट होती। अच्छा, जो बैज दिया, नेम प्लेट होती, उसमें हमारा नाम होता है, डेजिग्नेशन होता है, डेजिग्नेशन के साथ में हमारे नंबर होते हैं, क्योंकि हमारे नाम से नहीं हमें हमारा डिपार्टमेंट जानता, नंबर हमारे नंबर से हमें जानता। ठीक है। कि इस नंबर का आदमी इस बस में है, इस बस में है। ठीक है। और वो कहाँ है। ठीक है। ये सारी हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ है, जितना भी स्टाफ है, वो सब नाम से नहीं है, सब नंबर है, सबके, सबको नंबर है, मतलब स्वीपर से लेके सबके नंबर है, सबके नंबर है, किसी का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, डेजिग्नेशन और नंबर। आप जिस भी पोस्ट में हैं वो आपको डेजिग्नेशन मिलेगा, उस डेजिग्नेशन के साथ में आपका नंबर होगा, नाम जरूर होता है ऊपर जी, मैं समझ, लेकिन हमारी पहचान, आप वैसे पूछें कि देवेंद्र तनेजा कहाँ है तो आपको नहीं बताएंगे, नहीं पता लगे कौन देवेंद्र तनेजा। आप मेरा नंबर बोलेंगे एक मिनट में तो आपको फौरन बोल देंगे, ये जी आज आया है, नहीं आया है तो कहाँ है। तो ये सब चीज़ें हमारे नंबर से काउंट होती है। मेरा वो सवाल अभी भी अधूरा है, जहाँ मैंने आपसे ये कहा था कि वो जब आप बैठे होंगे वो एक्साइटमेंट थी तो किस चीज़ की थी, या रूटीन ही था? मतलब नहीं, मतलब एक्साइटमेंट तो थी ही, नेचुरल बात है, वो तो होती है और होनी भी चाहिए, और अगर एक्साइटमेंट आपके पास नहीं है, नहीं कर सकते, तो आप उस काम को प्रॉपरली मैनेज भी नहीं कर पाओगे। मेरे ख्याल से ये दुनिया के दो ऐसे मुल्क हैं जिन दोनों के बीच में पहली बार एक ऐसी बस या ट्रेन की सर्विस शुरू हुई थी और उसके आप ड्राइवर थे, शायद ये पहली बार। बस के तो ज़रूर मैं कह सकता हूँ, बाकी ट्रेन का नहीं, ट्रेन पहले चली, ट्रेन पहले काफ़ी टाइम से चल रही है, वो तो अलग मैटर है। हाँ। लेकिन बस जो है, ये हमारे DTC, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी,
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कन्वर्सेशन करके इनकी आपस में बात हुई, समझौता, क्योंकि रिलेशन को बढ़ाने के मेन मकसद हमारा ये था कि हमारे जो बिगड़े हुए संबंध हैं किसी तरीके से सुधरें जी। और जिसकी वजह से ये समझौता किया गया कि भी इसको चलाया जाए ताकि लोग एक दूसरे से मिलेंगे करेंगे, तो वो थोड़ी सी रहता है हिसाब किताब कि हाँ मिलेंगे तो प्यार बढ़ेगा, आए जाएंगे तो देशों के भी रिश्ते सुधरेंगे, इसकी वजह से ये था। उस बस में कौन था, क्या क्या फीलिंग्स थी उनकी, किस तरह की बातें होती थी, वो एक ब्रेक के बाद। तो मुझे आपकी मीठी आवाज सुननी थी। हाय, मैं सच की क्या सुनना था? वो ही ना, ये तो मेरे लिए वो क्या आप कहते सौभाग्य मेरा है। हाँ, मेरा सौभाग्य है। कुछ मैडम जी का ही सुनाती हूँ मैं जी, आपको मैडम जी का सुनाएं। जी जी, आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी। 20 साल पहले अगर हम वापस जाएं और आप याद करें कि कितनी सवारियां थी, कौन कौन खास खास लोग थे, क्या कोई ऐसी सेलिब्रिटी भी था, 55 साल बाद कुछ ऐसे लोग अपना वतन देखने जा रहे थे, कोई हिंदू भी था उनमें, या सिर्फ यहाँ पे माइग्रेटेड मुसलमान ही अपना वहाँ वो कुछ देखने गए थे, क्या किस तरह का था वो मंजर? नहीं, ऑलमोस्ट जो है जितने भी हमारे पैसेंजर यहाँ से इंडिया से जाते थे वो नॉर्मली मोमडन, तो नेचुरल सी बात है कि मोमडन तो थे ही जी, उसमें सिंधी समाज, अच्छा सिंधी समाज भी था, सरदार भी थे, सिख समाज भी था जी जी। तो ये लोग मतलब इनके मतलब या तो यूँ कह लो कि सिंधी समाज अपने उनके सिंध में उसकी वजह से जाते थे, या सरदार अपने जत्थे के साथ में उधर आते जाते, बाकी ज़्यादातर लोग मोमडन हुआ करते, मोमडन होते थे, और उधर से भी जो आते थे तो वो भी सारे ऑलमोस्ट मोमडन ही थे, उनके जो आसपास के देश लगते हैं उनके आना जाना, चाहे टूरिस्ट लोग ज़्यादा थे, अच्छा। वो जो प्रॉपर पाकिस्तान के भी नहीं थे लेकिन दूसरे मुल्कों से हैं, उधर से आते थे और इंडिया आए हुए थे, तो वाया पाकिस्तान बस, वाया बस, वाया रूट जो है वो जाते थे जाते और थे। हमारी बसों में होते थे, अच्छा। लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम जो है ना उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है मोमडन की रहती थी। तो कितनी सवारियां टोटल, कितनी सीट्स होती थी? सीट उसमें ऑलमोस्ट 39 होती थी, अच्छा 39-40 के आसपास होती थी, ठीक है, जिसमें मतलब 37 पैसेंजर रखते थे, 36-37 पैसेंजर होते थे, दो आप लोग होते थे, दो हम होते थे, एक हमारा एक ऑफिसर होते थे हमारे उसमें, ठीक है, जो हमारे डिपार्टमेंट से होते थे वो अफसर होते थे, और दो सिक्योरिटी वाले पुलिस वाले भी होते थे, अच्छा पुलिस की दो लोगों की जो रहती थी वो भी हमारे साथ जाते थे, हमारे साथ ही आते थे, तो मतलब वो नॉर्मली अटारी बॉर्डर पे पुलिस वाले, पुलिस की जो फोर्स थी वो अटारी बॉर्डर पे रुक जाती थी, हम लाहौर जाके वापसी आते थे तो फिर उनको पिकअप करते थे, वो फिर हमारे साथ वापसी दिल्ली आते थे, अच्छा। ऐसे ही रोड के ऊपर भी हमें पूरी सिक्योरिटी मिलती थी, जेड सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी बिल्कुल। सुना है कि पीछे और आगे एक ब्लैक ओपन जिप्सी चलती थी, ओपन वो पंजाब में हम इंटर करते थे ना तब मिलती थी हमें वो ओपन जिप्सी, हाँ। वैसे नॉर्मली हमारे ये पुलिस के एरिया जितने भी हैं, हाँ। जिसका भी जहाँ एरिया लगा हुआ है, हाँ, हाँ। वो हमें वहाँ तक नेक्स्ट एरिया तक छोड़ता था, अगले स्टॉप पे दूसरी पुलिस लग जाती थी, अच्छा। जिससे कि वो कंटिन्यू रहता था, हमें वहाँ तक बॉर्डर तक छोड़ते थे, फिर हरियाणा की लग मिल जाती थी, ऐसे ही हर स्टेट में अलग अलग जिसका भी जिस पुलिस वालों का जो एरिया, एक्चुअल में क्या है कि इनका एरिया होता है, उस एरिया में वो उसको मैनेज करते हैं, उस एरिया में जाते हैं, अगर यहाँ से उनका मेरे यहाँ से शुरू हुआ है मोतीनगर से, सपोज मान लें उनका मोतीनगर से शुरू हुआ है तो शादीपुर तक उनका एरिया है, तो शादीपुर तक वो रहेंगे, शादीपुर से फिर शादीपुर से आगे वाले जाएंगे,
तो वो वहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी चेन बनी हुई थी लाहौर तक, लाहौर तक बिल्कुल, जिसका एरिया ख़त्म हो जाए वो साइड हो जाता था, दूसरा वाला स्टार्ट हो जाता था, और वो ऑटोमेटिकली सब होता था, कोई किसी को कहता नहीं था कि हाँ भाई आप अब आप तुम हम आ गए, तुम्हारी बारी है, अब तुम जाओगे, कुछ नहीं, सब ऑलरेडी सब कुछ फिक्स है, सबके पास मैसेज है, सब कुछ फिक्स है। प्री प्लानिंग के साथ में था कि हाँ भाई यहाँ से वो चलेगा, वहाँ से वो चलेगा, तो अपने आप ही ये सब चीज़ें हमारी बस को डिटेन नहीं किए करना पड़ता था, हमें अपनी बस को, वो अपने आप कंटिन्यू चलते थे, वाह। उनके पीछे हम होते थे, हमें वो सिक्योरिटी दे दे के हमें वहाँ पहुँचाते थे, रोड भी क्लियर मिलता था। इवन मतलब कोई भी वीआईपी काफिला आ भी रहा है, कुछ भी, अव्वल तो वो ऐसा भी होल्ड कभी, पे अभी अव्वल तो कभी हमें ऐसा मिला नहीं, मिला नहीं है। लेकिन तकरीबन जब भी हम गए हैं तो हमें रोड वो क्लियर मिला है कि ताकि हमारी बस को किसी भी तरीके की डिटेन ना होना पड़े किसी बिल्कुल। भी वजह से, चाहे वो रेड लाइट हो या ट्रैफिक हो, अच्छा जी। किसी वजह से डिटेन नहीं होगी वो। हाँ बस ख़राब हो गई है या कुछ हो गया, अव्वल तो ऐसा ऐसा कभी मौका हुआ नहीं, हुआ नहीं। हुआ नहीं। तो बस क्योंकि नई बसें हैं, सारा कुछ नया प्लानिंग है, सब कुछ एडवांस उसमें थी, बिल्कुल। तो उसमें ख़राब होने का तो फिर भी मशीनरी है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कि हाँ भाई हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है या कुछ हुआ है जिसकी वजह से हमें मतलब डिटेन होना पड़ा है या उसको ठीक कराने के लिए कुछ करना पड़ा है, नहीं कभी कुछ नहीं हुआ। तो इसको जो झंडी दी थी वो अटल साहब ने दी थी, और वहाँ पे कोई इनॉग्रल स्पीच भी हुई थी ऐसी। नहीं स्पीच एक्चुअल में हम लोग वहाँ नेचुरल सी बात है स्पीच तो होनी है, वो तो वहाँ के जितना भी था फर्स्ट टाइम में जब भी गए थे सारा कुछ हुआ वहाँ, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा बैक साइड में रखा गया हाँ था हाँ हाँ क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ कह लो या जैसा मर्जी समझ लो कि हम लोग सब लोग बाद में थे, पीछे थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ तक कैसे कौन जा रहा है क्या हो रहा है इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी। नॉलेज भी नहीं थी और शायद इस टाइम इंटरेस्ट भी नहीं था कि नहीं ठीक है यार, हमें जो ड्यूटी मिली है हम हाँ वही करें। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना कि आप एक तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में आप ऐसी जगहों पे जल्दी से इंट्रेंस मिलती नहीं, नहीं और मिलता मिलती भी है तो साइड पे खड़े होने की जी। साइड पे रखते हैं ताकि आप दूर ही रहें, क्योंकि एक बड़े बड़े नेता सब मिलते हैं या बड़े बड़े लोग आपस में मिलते हैं तो उनकी आपस की बातें हैं, उनको देश देश की जिम्मेदारी उन पे थी, हमारा काम तो सिर्फ गाड़ी ड्राइव करना था, गाड़ी चलाने का था। लेकिन ये आप तो कह रहे हैं सिर्फ गाड़ी चलाना था, लेकिन आप हमारे देखने वालों की नज़रों से देखें या मेरे दिल से पूछें, आप लोग बहुत बड़ा काम करते थे। आप लोगों ने कितने लोगों अरे को सरहद पार, शायद उनके कितने बिछड़ों से मिलवाया होगा ना, क्योंकि नहीं ये तो नहीं है सारे टूरिस्ट थे, कुछ ना वो लोकल आदमी भी गाता है, थे लोकल जिनके आदमी अरमान गाता थे कि शायद ऐसा भाई, कुछ संभव जिनके हो। यहाँ रिश्तेदारी है, यहाँ वालों की रिश्तेदारी है भाई, है वहाँ लाहौर पाकिस्तान में या आगे रावलपिंडी कहीं जाए, भाई बस लाहौर तक है, वहाँ से उन्होंने आगे कहाँ जाना है कहाँ ये तो जाना। उनकी अलग ट्रांसपोर्टेशन है, उस तरीके से वो मैनेज करते थे या वो लोग उनके जिनके यहाँ वो जा रहे हैं वो मैनेज करते थे, तो हमारा काम तो सिर्फ उनको जो है लाहौर तक पहुँचाना होता था, लाहौर तक पहुँचाया, उसके बाद वो अपना आगे जाएँ सारा काम करें। अब यहाँ भी गाड़ी के ऊपर अब आप गए जाओगे भी, अब तो अभी फ़िलहाल मेरा ख्याल बंद है बंद है अब शायद, तो बहुत। हाँ बहुत टाइम तो से बंद है। जिसकी अभी सारा कुछ हमारे वही प्रॉपर आपकी इमिग्रेशन होगी, आपको बोर्डिंग कार्ड मिलेगा, सब कुछ वही होगा, आप अंदर इंटर कर गए तो आप बाहर नहीं जा सकते, ना ही कोई आउटसाइडर अंदर आ सकता है सिवाय वही जो पैसेंजर है वही इंटर करेगा, वही मतलब पूरा वही प्रॉपर एयरपोर्ट वाला वही सिस्टम फ्लाइट था, वाला। हाँ फ्लाइट वाला सिस्टम था, और जो सीट थी वो इतनी कंफर्टेबल थी कि मतलब हैवी से हैवी आदमी भी इजी बैठ सकता है, 2x2 की सीटें, मतलब दो सीटें इधर है दो सीटें इधर है, कोई घिचपिच नहीं कोई कुछ नहीं, जी आराम से बैठो अपना कंफर्टेबल हो के, सीट अप डाउन हो जाएगी, बिल्कुल। लेट ना हो लेट हो जैसे मर्जी करो। वो आप बता ही रहे हो कि जी सिर्फ 40 लोग होते थे, तो हाँ उस तो हिसाब वो से समझ तो जाइए कि एक सीट छोड़ के
वो खचखच वाली बात नहीं नहीं थी, नहीं वो वो बड़ा दो दो मतलब दो सीट इधर है दो इधर है, कि मतलब एक रो में चार सीटें होंगी, हाँ जी इस तरीके से काउंटेबल हो जाती थी जी कि जी आप, जी जी और इतने ही जिस जहां हम बैठे जिस सोफे में ऑलमोस्ट यही चौड़ाई थी उन सीटों जी की जी ऑलमोस्ट। मैं समझ सकता हूँ। तो आप इसमें जैसे मर्जी, पतले से हाँ पतला तो बैठेगा ही बैठेगा, जो बिल्कुल है शरीर से थोड़ा हैवी हेवी भी है तो उसे भी दिक्कत नहीं है। रूट क्या होता था, स्टॉपेज कौन कौन से होते थे और क्यों स्टॉपेज, होते थे? स्टॉपेज हमारे दो तीन स्टॉपेज होते थे, तीन क्या, एक दो तीन दिल्ली से हम निकलते चार। थे तो दिल्ली से पहला निकले तो हमारे ये हरियाणा टूरिज्म का है करनाल के पास, तो यहाँ ब्रेकफास्ट होता था हमारा। ठीक है। और यहाँ भी मज़े की बात है, जब तक वो गाड़ी खड़ी है कोई आउटसाइडर अंदर नहीं आ सकता, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता, और बिल्कुल सेपरेट सिस्टम होता था ठीक पूरी है। बस के लिए, पूरे स्टाफ के लिए, पूरी सिक्योरिटी होती थी वहाँ पे, कि कोई भी आदमी ना तो आ सकता है ना, जब तक गाड़ी खड़ी है, उसके बाद आप आओ जाओ जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। मैं बिल्कुल सेम चीज़ बता रहा हूँ कि हमारा एक स्टेशन पड़ता, स्टॉप पड़ता है उधर से आने वालों के लिए पैराकिट, जो कि पिपली में है, अच्छा तो हमें पता होता था कि यहाँ आती है, और बड़ी तमन्ना सी होती थी कि यार हाँ एक बार उनको देखो देख लें जो सरहद पार से आए हैं, हाँ लेकिन देखो आज तक वो इजाज़त ही नहीं मिली कि आप नहीं, देख लो एक्चुअल में क्या है कि सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर्पज से वहाँ मेन चीज़ क्या होता है, एसी गाड़ी है, एसी गाड़ी होने के बावजूद शीशे भी थोड़े डार्क होते हैं, नेचुरल सी बात है, पर्दे लगे होते हैं, सब कुछ होता है, तो मतलब अंदर बैठा हुआ आदमी उसे किसी को नहीं पता है कि बाहर, भाई मैं आप बाहर से आ रहे हो, आपको क्या मालूम कि मैं कौन हूँ, या मैं बाहर से आ रहा हूँ मुझे क्या मालूम आप कौन, बिल्कुल आप खड़े हुए देख रहे हो, देखते रहो उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, या बिल्कुल मुझे कि मैं जा रहा हूँ सपोज, मुझे क्या, मुझे तो क्रेज है कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ देखनी, हाँ तो इसलिए मैं देख रहा हूँ बाहर, लेकिन मैं आपको पहचानता तो नहीं, बिल्कुल ये साथ में थी। दूसरी चीज़ ये थी कि इस बस की स्पेशल चीज़ जो थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो मेरे मेरे हिसाब से सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से भी बहुत अच्छी थी, कि रास्ते में ना तो कोई पैसेंजर चढ़ सकता है ना ही कोई उतर सकता है, मतलब जो पेपर पे आ गया ना बस वही है आउटसाइडर, और इवन कोई मतलब भी एंट्री भी कोई स्टाफ मेंबर नहीं एंट्री कर सकता, मतलब कोई भी एंट्री नहीं कर सकता उस बस के अंदर, अच्छा किसी भी किस्म की कोई एंट्री नहीं कर सकता, सब कुछ आपको, क्यों हर 2-2.5 घंटे के बाद बस ने रुक जाना है, जिसने फ्रेश होना है फ्रेश हो ले, नमाज़ पढ़नी है नमाज़ पढ़ ले, क्योंकि हम जा होते थे तो नमाज़ का टाइम, कुछ टाइमिंग हमारे इस तरीके से थे कि उनकी नमाज के टाइम तक हम वहाँ पहुँच जाते थे ठीक है, तो ताकि उनको अपना फ्रेश हो के अपना जो भी है नमाज वगैरह पढ़ लें और कर लें, इस तरीके से होता था। फर्स्ट ऑफ हमारा वहाँ हो गया, सेकंड हमारा सरहन नहर पे होता था अंबाला से आगे, हाँ ठीक है, वहाँ नहर पे होता था, वहाँ ही पे ही, वहाँ सिर्फ इसलिए रुकते थे कि थोड़ा फ्रेश भी हो ले, जिन्होंने नमाज़ पढ़नी है नमाज भी अदा कर ले, या जिन्होंने कुछ और कुछ खाना पीना है वो भी ले, तो वो अपना परचेज करके पर्सनली वहाँ परचेजिंग उनकी होगी पैसेंजर की, अगर वो कुछ परचेज करते हैं तो वो खुद आपको पेमेंट करनी होती है, वहाँ डिपार्टमेंट का कोई मतलब नहीं। और थर्ड थर्ड के वो करतारपुर, जो कि अभी पंजाब करतारपुर बॉर्डर है हमारा, पंजाब टूरिज्म का है वो, ठीक मेन रोड पे जी, वहाँ लंच होता था, अच्छा। लंच वेज नॉन वेज दोनों होते थे, ओके आपकी चॉइस है, बफे सिस्टम है, आपको जितना खाना है आप खाओ, ये नहीं कि आपको इतना मिल गया उसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा, जी, ऐसा जी, कुछ नहीं जी, बफे सिस्टम जैसे शादी ब्याह में होता है जी, बफे जी, सिस्टम बिल्कुल, है बिल्कुल। आप लीजिए टेबल लगी है, सब कुछ चेयर पड़ी है, सब कुछ वैसे ही है, और उसके बाद हम लोग जो है सीधा अटारी बॉर्डर, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारा अटारी बॉर्डर, वहाँ आपकी सारा चेकिंग होगा, जो आप लेके जा रहे हो उसका टैक्स वगैरह जो भी है जैसा वो सारा कुछ होता था, उसके वहाँ उतर के अब इतना ही डिस्टेंस है, मतलब बीच में एक छोटा सा वॉल है, मतलब पैसे वह 10-15 20 फुट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा,
डिस्टेंस दोनों गेटों में सबको बिठाया। हमारी भी वहाँ तलाशी होती थी, मतलब हमारे बैग, सबके बैग चेक करने, सबके जो भी था वो उसको देखना करना। उसके बाद हम वो सामान वापसी गाड़ी में लोड होना, सबको बैठाना, बैठा के हम वाघा बॉर्डर पहुँचते थे। बहुत लंबा प्रोसेस था ये तलाशी वाला भी। दो तीन घंटे लग जाते थे। बाप रे, अच्छा। उसमें लग के उसके बाद वाघा बॉर्डर पहुँचे तो वहाँ फिर होना है। अच्छा, वहाँ फिर होना है तो उसकी वजह से जो है उन्होंने फिर अपने टैक्स लेने। तो आप लोग बॉर्डर के अंदर से बस से जाते थे? हाँ, तो गेट है, गेट, हाँ, जो गेट जो गेट है, हाँ, हाँ, हाँ। ये हमारा गेट खुल गया, हाँ, हम एंटर हो गए। बिल्कुल, उनका गेट खुल गया, हम एंटर हो गए। अच्छा, गेट बंद हो गए वापसी, क्योंकि मैंने उस गेट से लोगों को पैदल गुजरते हुए तो देखा है, छोटी चीजों को भी, छोटे वाहनों को भी देखा, लेकिन बस नहीं देखी। इसलिए शाम के चाय नाश्ता वहाँ होता था वाघा बॉर्डर पर, मतलब पाकिस्तान वालों कराते थे। अच्छा, शाम का चाय नाश्ता वहाँ होता था। उसके बाद अंदर 40 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर है लाहौर, लाहौर ठीक है बॉर्डर से, तो वहाँ जाते थे अपना, वहाँ गाड़ी, उनका होटल है उधर जो पहले सेक्रेटेरिएट था पुराना लाहौर का, तो उसी की साइड में उन्होंने वो बना रखा है होटल है, तो वहाँ रुकना, सब गाड़ी खाली करनी, गाड़ी खाली करके हम लोग अपना डीजल वगैरह भरवाना, वो भी उनका अपना तो कुछ है नहीं, अपना कुछ मतलब सरकारी उसमें नहीं होता था। जी जी, प्राइवेट पंप पे जाना, वहाँ से गाड़ी वगैरह और डीजल भरवाते थे, भरवा के वापसी वहीं आ जाते थे। अच्छा, क्योंकि नाइट स्टे हमारा वहीं होता था उसी होटल में। होटल का नाम एक बार अगर बता। नाम एक्चुअल में थे भी नहीं वो, सच्ची बताएं तो इतना ध्यान भी कभी नहीं गया, कोई बात नहीं कि होटल पे हमने क्यों। सच हकीकत ये कि रास्ते भी अगर आप, मैं जाऊं भी तो मैं रास्ते भी नहीं पहचान पाऊंगा वहाँ, क्यों सिक्योरिटी होती थी साथ में, वो जैसे जैसे गाइड कर रही हमने वैसे वैसे चलना, जरूरत ही नहीं होती तो कि हम, जरूरत ही नहीं होता था कि दिमाग लगाएं कि हाँ जी इस जगह से मुड़ना है और उस जगह से मुड़ना है। सही है, सही है, सही है। तो वो दिमाग में नहीं था, और बाहर निकलने की कोई दिक्कत थी नहीं, बाहर जाना होता ही नहीं था, इतना टाइम ही नहीं, सच हकीकत तो ये कि टाइम ही नहीं होता था हमारे। तो आप लोगों को जब सवारियां को जब आप लोग छोड़ देते थे, उसके बाद आपका तेल बिल हो गया, फ्यूल वगैरह आपने ले लिया, आपका नाइट स्टे हो गया, नाइट स्टे के बाद का क्या, मॉर्निंग हो गई अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30 बजे फिर गाड़ी वहीं लगा देने पॉइंट पे, और ऑलरेडी सेम पैसेंजर, मतलब दूसरे पैसेंजर्स जिन्होंने इंडिया आना है वो आप ही के इंतज़ार में, वो होटल में इकट्ठे होंगे वहीं। अच्छा, वहीं अपना आएंगे, वहीं सारा प्रोसीजर उनका भी वही है, ठीक है, जो यहाँ है, इमिग्रेशन है, ये बोर्डिंग कार्ड है, ये है, मतलब जितना भी सिस्टम है वो सारा उनको फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से सामान भी ऊपर चेक, सामान भी आपका मशीन से निकलेगा, सारा स्कैनिंग होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोनों साइड से ठीक है होती थी, और उसको पैसेंजर बैठे उनको लेके फिर हम फिर वाघा बॉर्डर आए, फिर सामान उतरा, उन्होंने अपना कस्टम ड्यूटी ये सब देखा दिखाया, सुबह का नाश्ता वहाँ से करके निकलते थे, वहाँ से वाघा बॉर्डर से करते थे, पाकिस्तान जी, जी, पाकिस्तान वाले कराते थे नाश्ता, और इतनी देर में आप सामान वगैरह चेक करो, नाश्ता करो और गाड़ी में बैठते थे, ठीक है। बस वहाँ से किया, वहाँ गेट क्रॉस किया तो अपना अटारी आ गए, फिर यहाँ सामान उतरेगा और सारा सिस्टम कस्टम वगैरह क्लियर होगा, तो उसके बाद सीधा फिर करतारपुर, फिर वापस सरहंद। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, हाँ, करतारपुर आए वहाँ पे आपको कुछ नहीं है, अच्छा, वहाँ आप फ्रेश फ्रेश होना है, फ्रेश हो लो, ठीक है, नमाज का टाइम, आपको नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ लो, जो भी मतलब कहने का मतलब ये जो मर्जी आप ना कर सकते। उसके बाद सरहंद नहर पे आए, आपको लंच सरहंद नहर पे मिलेगा। अच्छा, तो नहर पे कहाँ, वो जो उनका था नहर, हाँ, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है, हाँ, नहर के ऊपर जो रेस्टोरेंट है, ठीक है, लंच आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सीधा फिर वापसी करना लोग हरियाणा टूरिज्म का, फिर तो वो हमारे शहर का पिपली वाला एक पैरा के था ना, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, वहाँ रुकते थे आपकी गाड़ी, वहाँ रुकती थी, ओके, वहीं शाम की चाय पी और सीधा दिल्ली, ठीक ठीक ठीक, ये सारा रूटीन रहता था, और उसको सारा कुछ को
कंप्लीट करते हैं। इन बिटवीन आपने कितनी टोटल कितनी बार आपने बताया आप गए थे? तकरीबन मैं 10-12 बार गया। 10-12 बार आप गए हैं। इन 10-12 के दौरान आपको कोई ऐसी खास शख्सियत मिली हो कि यार ये आदमी तो मैंने देखा हुआ है और ये तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, या ये कोई आर्टिस्ट है? एक्चुअली क्या है कि इतना ध्यान तो कभी गया नहीं, क्योंकि एक तो ऐसा होता था ना कि हमारा मेन मकसद तो सिर्फ पैसेंजर से बातचीत तो हम कर सकते थे, लेकिन करते नहीं थे। करते यूँ नहीं थे कि भाई देखो ऐसा है ना कि एक तो अच्छा सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ जो मुझे मतलब बड़ी अच्छी लगती थी, हम लोग पंजाबी हो के भी इतनी मीठी पंजाबी नहीं बोल सकते जितनी वहाँ बोली जाती है। ये लाहौर वाली इतनी मीठी पंजाबी कि मतलब दिल करता था कि आपके साथ में घंटों बैठ के मैं बात कर सकता हूँ। क्या बात है, मतलब मिठास, भाषा में मिठास ज़रूर है, तो इसलिए तो कोई दोराय नहीं। दूसरी वहाँ की आवाम जो है वो भी बड़ी खुश थी, बड़ी मतलब उनको बड़ा अच्छा लगता था कि भी हाँ इतने शॉर्ट पीरियड में हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, आ रहे जा रहे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि पैसेंजर को भी कोई भी चीज़ नाश्ते के लिए, नाश्ता हो लंच हो कुछ भी है, आपको उसमें टिकट में ही इंक्लूड है, आपको कोई पैसा कहीं नहीं देना, टिकट में ही इंक्लूड है। हमारे इंडिया से जा रही है तो इसकी टिकट इंडिया वाले करते थे, पाकिस्तान वाले अपनी वाली करते थे, ठीक है। वहाँ लाहौर में जो बुकिंग, जो पैसेंजर यहाँ आ रहा है तो उसकी बुकिंग वो करेंगे, अच्छा यहाँ से जो जा रहा है इसकी बुकिंग ये करेंगे, ये नहीं कि पाकिस्तान से आदमी हमारे इतने आदमी आ रहे हैं और ये उनकी टिकट, वो यहाँ आके आपको दिखा वीज़ा आपको दिखाना पड़ेगा, सारा पासपोर्ट है, वीज़ा है, सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद आपकी अगर टिकट अवेलेबल है तो आपको मिलेगी, नहीं है तो फिर आपको नेक्स्ट उसमें जो भी है उसमें आपको मिलेगी। अगले सवाल का छोटा सा जवाब दीजिएगा, टिकट और सारा जो खर्चा था ये एक्चुअली था कितने का? उस टाइम पे मतलब ये 900 रुपये शायद था, मेरे प्रॉपर ध्यान है 900 और 1000 के बीच में था, जो मतलब आपका किराया भी उसमें था, आपके खाने पीने का अरेंजमेंट भी उसमें था, जो हम लोग रिफ्रेशमेंट देते थे वो भी इंक्लूड था। वाह, 20 साल पहले 900 रुपये में 1000 रुपये में आप लोग अपना मुल्क देख के आ सकते थे, मतलब फॉरन रिटर्न हो जाते थे। रिटर्न हो जाते थे। हकीकत ये है कि हम लोग फॉरन रिटर्न हो जाते थे 900 रुपये में। हाँ, सिंगल साइड, वन साइड अप डाउन नहीं, अप डाउन का वो अलग अलग हिसाब रहता है, उनकी टिकट मैं बता तो रहा हूँ ना, वहाँ से अगर गाड़ी चल रही है तो उसकी बुकिंग उनकी है, इधर की बुकिंग इधर की है, और डीजल जो गाड़ियों में पड़ना है वो हम लोग जैसे वहाँ गए तो हमारी गाड़ी में डीजल डला तो उसकी पेमेंट वो करेंगे, यहाँ उनकी गाड़ी को रात को हमारे यहाँ स्टे होती है तो इसकी डीजल हम देंगे, जो मेंटेनेंस करानी है या कुछ हो गया या टायर पंचर हो गया या कुछ चेंजिंग करानी तो वो सब कुछ दोनों कंट्री अपने अपने उसमें कराएंगे। हमारा तो हमारी तो खैर यूनिट है, हमारे डिपो है, आईपी डिपो में गाड़ियाँ खड़ी होती थी तो हमारा तो डिपो, मैकेनिक भी हमारे उसमें डीजल पंप भी हमारा डिपो में ही है, तो हमें तो मतलब किसी कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो भी स्पेयर पार्ट भी हमारे पास ही अवेलेबल होता कि आपके पास गाड़ी पहुंच गई तो रिस्पांसिबिलिटी आपकी है, बिल्कुल हमारे पास गाड़ी आ गई तो रिस्पांसिबिलिटी हमारी, चाहे वो आपकी गाड़ी हो या हमारी। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल कनेक्टेड जहन में ये भी आ रहा है बार बार कि क्या कोई पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती थी जाने के लिए, जैसे अभी वीज़ा लेना पड़ता है, क्या कुछ ऐसा भी था? पेपर पैसेंजर के लिए तो सारी फॉर्मेलिटी है ही है। तो वो क्या था, मतलब उसके लिए पासपोर्ट तो चाहिए नहीं था? पासपोर्ट तो मस्त है, मस्त था, ओके। पासपोर्ट है तो वीजा है ना, यानी कि स्टैंप थी उस पे? बिल्कुल, अराइवल स्टैंप थी, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। आपको वीजा, जैसे आप किसी भी कंट्री में जाएं तो आपको वीजा लेना पड़ता है, तो वही सिस्टम है, आपको पहले पाकिस्तान में जिससे वीजा लेना पड़ेगा तब आप जब पाकिस्तान में एंट्री करेंगे।
क्योंकि ये बस थी और ट्रेन थी इसलिए मेरे दिमाग में था नहीं, पर कि ट्रेन वालों को भी वीज़ा लेना पड़ता है, आप ठीक गलत है। हो। ऐसे कोई आम आदमी थोड़ी, आप जी चाहो जी तो जाना है तो आप नहीं जा सकते विदाउट पासपोर्ट विदाउट वीज़ा। जी पासपोर्ट हो भी लेकिन अगर वीज़ा नहीं तो आपकी एंट्री नहीं है, आपको वहीं रोक लेंगे। यही तो चेकिंग है और क्या है, बिकॉज वी आर गोइंग इन अदर कंट्री। अदर कंट्री, ओके। आप दूसरे देश में जा रहे हैं तो आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन जो इतने भी हैं आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यस, तो वो बहुत ज़रूरी है दूसरी कंट्री के लिए। ठीक, हर ठीक। कंट्री में आप किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो ये प्रोसीजर है जिसको आपको मैनेज करना होता है। वापस से बस में आ जाते हैं, मैंने आपसे पूछा था कि कोई बड़ी पर्सनैलिटी, आपने कहा कि नहीं वो हम बात ही नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत पहले मैंने एक वीडियो किया था उसमें उधर से आने वाली बस में रेशमा का परिवार आया था, लेकिन क्या इधर से भी कोई ऐसी सेलिब्रिटी गई थी आप नहीं, लोगों नहीं, के साथ ऐसा, में? मेरे साथ तो ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, हमारी बस, क्योंकि हम तो हमारा हफ्ते में मेरा जो है हफ्ते में एक ट्रिप होता था और बस हमारी इंडिया की 2 बार जाती थी, तो मतलब सेकंड टाइम दूसरा ड्राइवर जाते थे। ठीक है, इस वजह से जो है मेरे साथ तो ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि हमारी बस में जिसमें मैं लेके चल रहा हूँ उसमें कोई आया हो या ऐसा कुछ। अंदर जो लोग होते थे, अब मैं वो चीज़ सुनना चाहता हूँ, आप लोग बात नहीं करते थे, ठीक है, वो लोग बातें करते थे आपस में, वो जब बातें करते थे तो कभी कोई सुनी थी बात? वही जो मेरा पहले सवाल था कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत अरसे के बाद जा रहे होंगे तो उनकी बात सुन लेना, उनकी ख्वाहिश सुन लेना, और आपको ये लगना कि यार हम भी तो कभी उधर से आए थे, हमारे बुजुर्ग भी तो जाते थे कि एक बार होके आए, बट हमारे बुजुर्ग नहीं जा पाए। वो देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी की जो कशिश है, ठीक है हम पैदे हिंदुस्तान में हुए लेकिन हमारे बुजुर्ग तो वहीं थे। बिल्कुल, तो वो जब हम छोटे थे तो बताते ही थे सारा कुछ कि हाँ वहाँ ऐसा था ऐसा था ऐसा था, बेशक क्या हमें समझ नहीं थी हाँ, लेकिन सुनी है हमने, लेकिन वो अपने अपने शेयर करते थे, बताते थे कि वहाँ हमारे साथ इस तरीके से हम लोग ऐसे रहते थे, हमारा ये था ऐसे था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आदमी जो भी जहाँ रह रहा है दूसरी जगह जहाँ भी, जैसे मैं अब यहाँ से पाकिस्तान की बस लेके गया, लाहौर की बस लेके गया, तो मेरा एक अलग क्रेज था कि नहीं यार हमारे बुजुर्ग हैं वहाँ की, हालांकि मैं वहाँ की लाहौर की मिट्टी भी लेके आया था। क्या बात है, अपने मेरे मामा जी थे अब तो नहीं है वो थे, तो उनको उनकी वजह से मैं लेके भी आया था तो मिट्टी भी लाया, सारा कुछ सब किया भी कि ठीक है, क्या है वो लाहौर की गार्डन की मिट्टी थी, सवाल इस बात का नहीं लेकिन था, थी तो लाहौर की, लेकिन वो कशिश जिसकी बात करता ना वो चीज़ थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जो सामान वहाँ मिलता है वो हमारे हिंदुस्तान में मिलता भी है। मिलता है और उससे सस्ता और अच्छा मिलता है जी, वहाँ थोड़ा कॉस्टली भी है, कॉस्टली शायद इसलिए कि वहाँ की प्रोडक्शन नहीं है या जो मर्जी, या हम उनकी नज़रों में टूरिस्ट होते हैं, हाँ बस उसकी वजह से कह लो। हमारे वो पाकिस्तान की वहाँ पर इंडियन करेंसी को लेते ज़रूर हैं और बड़े शौक से लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं, वो बड़े दुकानदार आपके इंडियन करेंसी लेते, छोटा दुकानदार जरा पाकिस्तान की करेंसी, क्यों उसे पे चेंज कराने में 36 जवाब देने पड़ते हैं कि आप ये तेरे पास कहाँ से आया। यस, तो देखो हर कंट्री का होता है कि अब मैं यहाँ डॉलर चलाऊँ, अमेरिकन डॉलर चलाऊँ, बिल्कुल बड़े दुकानदार तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, उसने कहा ठीक है चला रख दो, उनके तो आना जाना चलता रहता है, जो छोटे दुकानदार को डॉलर दूँ तो वो कैसे करेगा, बिल्कुल वो नहीं करता। तो ये सब चीज़ें हैं तो चलता है। हमारे इंडिया के 100 रुपये थे तो वहाँ उस टाइम पे 115-120 रुपये थे, पाकिस्तानी करेंसी 120 रुपये मिलती थी 100 रुपये के बदले। लेकिन फिर अब तो और ज़्यादा गिर गई इस हिसाब से, अब गिरी है ना, हाँ अब गिरी है, मैं उस टाइम की बात, यानी कि उस टाइम उनकी अच्छी वैल्यू थी, ठीक था हिसाब की बात। और इधर कारगिल की जब लड़ाई हुई, शुरू हुई हमारे यहाँ, तो मैं पाकिस्तान चल रहा था, अच्छा लाहौर चल रहा था, इवन मतलब ये देख लो कि मेरी फैमिली में मेरे घर के जो 4 दीवारी में है उन्हें ही पता था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ,
ठीक बाकी है मेरे बहन भाइयों को किसी को नहीं पता था, मेरे किसी रिश्तेदार को नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। मतलब एज ए स्पाई आप काम कर रहे थे? लाहौर की बस चला रहा हूँ, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता था। वो कुछ देखो कुछ कंडीशंस भी होती, डिपार्टमेंट की भी होती है, सब कुछ होता है कि आप, फिर मुझे पता भी था कि मेरी इंक्वायरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है सिक्योरिटी पर, तो मेरा अपना भी मानना है, क्यों, मेरी तो जॉब है, ऑफ कोर्स मुझे डिपार्टमेंट जहाँ भेजेगा मुझे जाना पड़ेगा, बिल्कुल, और यही मेरा काम है, बिल्कुल। मैं गाड़ी यहाँ भी चलाता था, मैं गाड़ी वहाँ भी चला रहा हूँ, तो मेरे लिए मेरे काम में तो कोई फ़र्क है ही नहीं, तो मैं किसी को अननेसेसरी क्यों शो ऑफ करूँ कि मैं फलानी जगह मैं ये किया, मैंने वो किया, क्यों? नहीं, 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 ठीक है। तो कुछ इस तरीके की ये बातें भी थी, मेरी सोच भी यही थी कि बिला वजह इसका प्रोपोगंडा ना किया जाए। हाँ, तो वो जब इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ तो फिर सबको पता लगा, बहनों को भाइयों को, सब ने गुस्सा भी किया, लड़ाई चल रही है, तेरे को शर्म नहीं आती, तू वहाँ जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, तेरे को कुछ हो गया, और मैं कहा कुछ नहीं हो रहा, इतनी पुलिस हाथ में चलती है, दो पुलिस वाले अंदर बैठे हुए हैं, विद एमिनेशन है, सारा कुछ है, आगे पुलिस फोर्स चल रही है, एक सेकंड के लिए हमें वो अकेला नहीं छोड़ते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी गाड़ी भी तो हमारी कंट्री में है। हाँ, हम तो पाकिस्तान पहुँचते हैं शाम को, और वो अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे पास पहुंच जाती है, 9 बजे हमारी अटारी बॉर्डर पे होती है गाड़ी, जी जी जी, 9 सुबह 9 बजे वो इंडिया में होती है, ठीक है, हम पहुंचते पाकिस्तान शाम को जाके, तो हमारी बस को तो वो कुछ कर ही नहीं सकते, ना ही कुछ कह सकते, ना ही किसी पैसेंजर को, ना हमें, ना हमारी बस को, क्योंकि गाड़ी तो क्रॉस में चल रही है, और उनकी सुबेरे इंटर हो गई, हम जाते हैं शाम को वहाँ। अगर हमारी गाड़ी पे अटैक होता है या कुछ बात होती है तो उनकी गाड़ी इंडिया में सवेरे आ जाती है, तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा रहता है, हम तो चल रहे थे, हमें फ़र्क नहीं पड़ा। खैर, ये एक मज़ा सबसे बड़ी अच्छी बात रही, हमने अपनी लाइफ को उस बस में खूब इंजॉय किया, इंजॉय इन द सेंस, क्योंकि भाषा पंजाबी थी, उनसे बातचीत होती भी थी, यंगस्टर भी होते थे, उनसे बातचीत होती थी, तो वो मतलब मज़ा आता था कि बात करें उनसे, बोलें चालें, कुछ हंसी मजाक करें, वैसे कोई बातचीत नहीं होती थी, मैं समझ गया, बस ऐसे ही हंसी मजाक की कुछ बस चलता रहता था उसमें। इन सबसे आगे निकल के पहुंचते हैं, सब लोग तो अपने अपने चले जाते थे, आप लोग भी बस लेके आ जाते थे, जहन में कभी आता था कि यार हमें भी थोड़ा वक्त मिल जाए, हम भी लाहौर की गलियों में घूम लें? नहीं, उसका कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे पास, अब हम सुबह 6 बजे यहाँ से निकलते थे, हम तकरीबन होटल जो है लाहौर 7:30-8 बजे पहुँचते थे, ठीक है, ठीक है, ये सारे काम, नाश्ता, चाय पानी, इमिग्रेशन, ये सारा कुछ करके जी हम 7:30-8 बजे पहुँचते थे। उसके बाद हमने जाना डीजल भरवाने के लिए, डीजल भरवा के आना, पहले गाड़ी चेक होती थी, गाड़ी खाली हुई, गाड़ी पूरी सिक्योरिटी के पर्पज़ से चेक होती थी कि कुछ ऊपर नीचे से चेक हुई, फिर डीजल भरवा के आए, डीजल भरवा के आए कि गाड़ी की साफ़ सफाई करवाई, ऊपर सारी गाड़ी धुलाई होती थी, अंदर से साफ होती थी, सारा कुछ 15-20 जने होते थे विद एमिनेशन के साथ में, वहाँ की पुलिस या वो सारा गाड़ी की सिक्योरिटी रखती, हमारे 2 कमरे उस होटल में बुक थे, एक हमारे अफसर के लिए, एक हम दोनों के लिए जी, तो उस वजह से जो है सिक्योरिटी वहाँ भी होती थी। इन सब काम को करते करते बच जाते थे हमें 9, अब 9 बजे हमारी यहाँ सवेरे रिपोर्टिंग 4 बजे की है, ओहो अच्छा, तो घर से हमें 3 बजे निकलना पड़ता तब जाके 4 बजे रिपोर्टिंग करेंगे जी, 3 बजे निकलने से मतलब ये है कि 2-2.5 बजे हम उठेंगे, नहाए धोएंगे, अपने फ्रेश होकर 3 बजे तभी आप घर से निकलोगे जी। अब सुबह 2 बजे का उठा हुआ आदमी रात के 9 बजे तक उसे सांस नहीं है, और 9 बजे के फ्री होने के बाद कौन सी दुकान खुली है, कौन सी मार्केट खुली है, और खुली भी हो तो इतनी हिम्मत हम में नहीं होती थी, बिल्कुल ये है कि चलो भी खाना खाया खा के रेस्ट करो, क्योंकि सुबह 4 बजे फिर गाड़ी लगानी है, टाइमिंग अकॉर्डिंग टू टाइम जो है हमें सुबह 4:30 बजे गेट खोल देने, ठीक है, गाड़ी के,
और 4:30 बजे के लिए हमें फिर वो 3 साढ़े 3 बजे उठना है, फ्रेश होके नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे तभी तो आप गाड़ी पे जाओगे, उससे पहले गाड़ी पे नहीं जा सकते आप। तो एक्चुअल में हमारे पास टाइम ही नहीं था वहाँ घूमने का कुछ करने का, तो ऐसा कुछ नहीं। वहाँ जो लेबर थी या वहाँ के जो अफसर थे उनसे अगर कोई चीज़ मंगानी हो तो उनको कह देते थे, तो नेक्स्ट ट्रिप में हम उनसे कलेक्ट कर लेते। मेरे दो आखिरी सवाल, इसके बीच में एक अंतराल, एक ब्रेक। मिर्ज़ा खैरुद्दीन वगैरह पाकिस्तान आ रहे थे तो इनकी वाइफ का बच्चा वहाँ कैंप लगा था ओल्ड फोर्ट के अंदर, तो इनका एक बेटा वहाँ ओल्ड फोर्ट में पैदा हुआ, तो उन्होंने उनका नाम रखा मिर्ज़ा जलालुद्दीन अकबर, क्योंकि ये मुगल खानदान से थे। आपने जो मुझे भेजा था उसके अंदर ये मेंशन था कि मिर्जा असदुल्ला गालिब की शादी मेरी दादी के पिताजी की भतीजी से हुई थी और उनके पिताजी नवाब अमरुद्दीन अहमद खान अमीरुद्दीन अहमद खान ने मिर्जा गालिब को अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। एक कोने में मंटो साहब का घर है, दूसरे कोने में हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे मिराज खालिद साहब, उनका घर भी ठीक है। फैज अहमद फैज भी हमारी वो इस सोसाइटी जो मॉडल टाउन है वहीं रहते थे, 126F। एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ और एक बच्चा इंडिया में पैदा हुआ, एक के पास नाइको, एक के पास OCI कार्ड है, एक NRI है, एक ओवर। अब बताएं मोहब्बत कैसे ना हो। लाहौर तो ठीक है आप नहीं घूम पाए, लेकिन इस दौरान ये जहन में कभी नहीं आया कि भाई और कहीं नहीं उस जगह हुआ हूँ जहाँ से बाबूजी और आए थे? और ये भी बताइए कि आपके फोर फादर कहाँ से आए थे? डेरा इस्माइल खान से, पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान। हम लोग का था उधर, वहीं मम्मी पिताजी जो बताते थे डेरा इस्माइल खान से हैं, तो वो वहाँ जाने का मन तो तब करे जब हमारे पास एक दो चार दिन रुकने का वहाँ टाइम है। हम अपना पर्सनली वीज़ा लेके जाएं घूमने के लिए तो एक अलग बात है, और अगर आप जॉब में जा रहे हैं रात को वहाँ पहुँच रहे हैं सवेरे नेक्स्ट डे आपको वापसी आना है, तो वो वहाँ तक जाने की बात तो कशिश ज़रूर थी, लेकिन दिमाग में ये नहीं होता था कि यार वहाँ कैसे जाएंगे, क्यों हमें वहाँ के बारे में जानकारी ही नहीं, किससे पूछेंगे, सब कुछ हमें हमारे लिए नया है और हम हर एक से भी पूछते पूछते पहुँचेंगे अगर गए भी जी। जिंदगी में कभी ऐसा मौका लगा अगर गए भी तो वो पूछते पूछते पहुँचेंगे, पता नहीं हम पहुँच भी पाएंगे कि नहीं। अब तो मम्मी पिताजी भी नहीं है जी। ना तो हमें वहाँ का एड्रेस पता ना कोई और कि वहाँ की क्या निशानियाँ थी, क्या था, कौन था। अब इतना टाइम हो गया है तो वो चीज़ें वहाँ हैं भी कि नहीं, नहीं है। लेकिन क्या सीनियर्स को पता था कि आप डेरा इस्माइल खान से हैं, या आपके जो डॉक्यूमेंट्स में थे उसमें ऐसे मेंशन था कि आप पीछे आपके रूट्स? नहीं था। और आगे बढ़ते हैं कि सबके स्टैंप्स लगी, ठप्पे लगे और हुआ सेम आपके साथ भी हुआ? बिल्कुल, यानी कि आप हमारा पासपोर्ट जो है डिपार्टमेंटल पासपोर्ट, कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना उसमें कोई गवर्नमेंट जॉब में है और उसको डिपार्टमेंट कहीं भेज रहा है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो एक अलग बात है, ठीक है, और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो डिपार्टमेंट आपका पासपोर्ट बनाता है और वही इस प्रति जो भी सिस्टम है उसको मैनेज करता है कि वीज़ा लेना है या क्या करना है, तो वो डिपार्टमेंट के थ्रू ही होता है। और हमारा तो 1 साल का वीज़ा लगा हुआ था। अच्छा, 1 साल, क्योंकि ये बसें हमारी चल रही थी, ठीक है, और इसी पर्पस से ये समझौता किया गया। ये तो कुछ नेताओं की वजह से, इस तरीके की वजह से ऐसा हुआ है, वरना वहाँ की पब्लिक आज भी बहुत खुश है कि अगर गाड़ी चली जाए आ जाती। अरे भी आप ये देखो ना कि अगर वहाँ का आदमी, पाकिस्तान का आदमी अगर हिंदुस्तान आता है तो बाई एयर आना पड़ता है उसको, और बाई एयर आता है तो उसको खर्चे भी बहुत पड़ते हैं, बहुत भारी पड़ता है, और खाने को भी कुछ नहीं मिलता ना, कुछ फैसिलिटी मिलती है। आया, घंटे 1.5 घंटे की फ्लाइट है, अपना हिंदुस्तान में फेंका और चल दिया,
अब इसमें क्या है कि चाहे उसको टाइम लगता है लेकिन पैसा कम लगता है, सबसे मेन चीज़ ये कि पैसा कम लगता है, और अपना एंजॉय करता हुआ जाता है, एंजॉय करता हुआ आता है। हर चीज़ की फैसिलिटी गाड़ी के अंदर अवेलेबल है, फ़ोन आपके पास है, वीडियो आपके पास है, ऑडियो आपके पास है, खाने के लिए आपको नहीं क्यों उतरना कहीं कुछ करना, परचेस करने की ज़रूरत नहीं आपको, हर चीज़ आपको हर चीज़ हाथों में मिल रही है। तो कहीं भी चीज़ है, सबसे बड़ी मेन चीज़ थी कि वहाँ जाने का ख्याल आना तो अच्छी बात है लेकिन जा नहीं सकते ये हम भी जानते हैं। हम भी जानते क्यों, हम वहाँ उन जगहों को पहचानते नहीं। मेन कारण ये था कि हम उन जगहों को पहचानते नहीं, और बुजुर्ग हमारे पास है नहीं जो वो हमें बता सकें। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा कारण था। तो जहन में तो अब भी है कि यार वो कैसा होगा, हमारे खेत कैसे होंगे, हमारा घर कैसा होगा, हमारे दादा दादी कैसे कर रहे होंगे, क्या करते होंगे। लेकिन इतने साल होने जाने के बाद क्या वो चीज़ आज वहाँ होगी? मैं नहीं समझता, नहीं होगी। यस, मैं नहीं समझता कि वो सब चीज़ें होंगी, और होंगी भी तो उनको मुबारक। बिल्कुल हाँ, जो उस जगह पे बैठे हैं, जो इसके रखवाले हैं। एंड में यहाँ आते हैं कि जो बस आप लोगों ने 1999 में शुरू की थी, मतलब जो अटल साहब ने शुरू की थी, वो बंद क्यों हुई और कब हुई? नहीं, अभी पीछे कुछ टाइम तक तो चल रही थी जहाँ तक मेरी जानकारी में, और चल भी, अब वो हमारी बसें चल रही थी, DTC ने कांटेक्ट बेस पे बस ली हुई थी वाल्वो, वो चल रही थी। अब वो क्योंकि अब पाकिस्तान से रिलेशन थोड़े डिस्टर्ब हुआ पड़े, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें बंद हुई हैं, क्योंकि ये अब जब सब्जी ये व्यापार बंद हुआ, व्यापार बंद हुआ तो ये सब भी बंद होना नेचुरल है। जी जी जी, तो उस वजह से बंद हुई हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी तो ये हो सकता है ये सब चीज़ें दोबारा शुरू हो जाए। वैसे तो उसका एक सब्स्टिट्यूट खुल ही गया है, करतारपुर बॉर्डर, लोग जा रहे हैं जिन्होंने जाना है, बट वो बात अलग है कि वो लोग अंदर नहीं जा पाते। अब उधर उधर तो ना ही उधर के लोग इधर आ सकते हैं, ना इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, ये बात सच है। तो मुश्किल से 15-20 फुट का डिस्टेंस है उन दोनों गेटों के बीच में, और गेटों के बीच में नहीं, पूरी बाउंड्री वॉल जो तार की लगी है वो इसी तरीके से लगी हुई है। अच्छा, इंडिया के जब बॉर्डर जहाँ लगता है कि लग रहा है और पाकिस्तान का बॉर्डर है तो वो डिस्टेंस मेंटेन है उतना ही, बीच में पैसिव खाली है, वो उधर है, ये इधर है, सबकी लोहे की तार है, वो कटीली तार है, वो सब बाढ़ लगी हुई, सब कुछ हुआ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, सबका चल रहा है, सब गौर सरकारें हैं अपना, किसी अब बड़े लोग हैं उनकी समझ और हमारी समझ में दिन रात का अंतर है। वो तो लोग पूरे देश के बारे में सोचते हैं, पूरी दुनिया को लेके चलना चाहते हैं, हमारा क्या है, हम तो हमारा एक छोटा सा हकीकत ये कि नॉर्मल आदमी का दायरा उतना ही है जहाँ वो रह रहा, 9 to 5 और मोहल्ला, मतलब मुल्ला की दौड़ मस्जिद, वही वही उतने ही दायरा है, उसे उसे नहीं मतलब कि चीज़ कहाँ से बन के आ रही, कैसे बन के आ रही है, क्यों बन के आ रही है, उसे पसंद है वो ले रहा है, सीधे हकीकत उसी में रुका हुआ है वो, बाकी नॉर्मली वो आदमी को, आदमी को क्या चाहिए, उसको फैसिलिटी मिल रही है, उसे क्या जरूरत पड़ी बाहर क्या हो रहा है, आग लगती रहो। मेरी मैक्सिमम जो इंक्वायरी तो नहीं कहूँगा, जो क्यूरियोसिटी थी माइंड में, एक उत्सुकता थी कि मैं आपसे मिलूँगा तो ये सारी चीज़ें करूँगा, हालांकि मैंने कोई पेपर वर्क नहीं किया था कि मैं तनेजा साहब से ये पूछूँगा ये पूछूँगा ये पूछूँगा, बट मैंने सारी चीज़ें पूछी। कुछ ऐसा जो आप मुझे बताना चाहते हैं और कुछ ऐसा जो मैंने नहीं पूछा है वो मुझसे ज़रूर शेयर कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि लोग वीडियो के नीचे लिखना शुरू कर दें कि केशव भाई आपने ये नहीं पूछा या देवेंद्र जी आपने ये नहीं बताया, तो ऐसा कुछ है जो आप अभी भी शेयर करना चाहते हैं? क्या है कि ये सब चीज़ें जो है ना, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी इसी इसी कंडीशंस पे बांग्लादेश की बस चल रही है, जैसे है। ये समझौता एक्सप्रेस दिल्ली टू लाहौर की है, ऐसे ही बांग्लादेश की है, ठीक है, कलकत्ता साइड से उधर से,
उधर से जाती है बांग्लादेश, बांग्लादेश से ऐसे ही क्रॉस में चल रही है। ठीक है। तो हिंदुस्तान का तो एक ही एजेंडा है, मिल के रहो, बिल्कुल। दूसरा उसका कोई काम नहीं है, चाहे वो सरकारें कोई भी आई हो, पड़ोस में जो भी है उसके साथ मिल के चलने में सबकी भलाई है। बिल्कुल। सिर्फ हिंदुस्तान की भलाई नहीं है, कभी ये सामने वाला कोई ये सोचे कि सिर्फ हिंदुस्तान की भलाई है, हिंदुस्तान की सबकी भलाई नहीं है, सभी की भलाई है, दोनों देशों की भलाई है, जो भी कंट्रियां आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। मैं थ्रू आउट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ना कि इंडिया और पाकिस्तान की। जी 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 बिल्कुल, सब थ्रू आउट वर्ल्ड की जितनी भी बॉर्डर एरिया हैं उनके अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो वहाँ, मतलब वहाँ की पब्लिक जो है, वहाँ के बाशिंदे जो है, वहाँ के लोग रहने वाले आज भी परेशान हैं, कल भी परेशान हैं और हमेशा परेशान ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, थ्रू आउट वर्ल्ड के बॉर्डर जितने भी लगते हैं सबके साथ ये परेशानियाँ हैं, किसी की किसी के साथ बन रही है, किसी की नहीं बन रही, और जिनके साथ बन रही है वो खुशहाल है, और जिनके साथ नहीं बन रही वो परेशान है। बिल्कुल। तो वो परेशानी और खुशहाली लाना और ना लाना ये सब हमारे ही अपने विचारों से बनते हैं और बिगड़ते हैं, सीधा सा। वीडियो को देखने वाले बंदे है ज़रूर पूछन कि डेरे वाल का बंदा बैठा है भाई डेरा गाजी खान का, हिंदी नाल तू मुल्तानी च गल कहनी की, उत्थू की जबान च गल कहनी की, तो यह शिकायत रहा सी तो मैं वाल भी इन्हों की जबान इन्हों की जबानी इन्हों तू कुछ ना कुछ सुनवा देना तो अगू, ताकि तुसा मेरे को कमेंट ना करो। नहीं ऐसी कोई गाल कोई नहीं, बहुत चंगी अले ने। हाँ ऐसी कोई गाल नहीं, जिमें मर्जी जेरी मर्जी जिस टाइम मर्जी अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरीके नाल, हर तरीका कह लो आगड़े हो जिमें मर्जी समझ गए कि उधर गाल कर नहीं सकू, कोई एतराज नहीं, क्योंकि ये वीडियो जरा बनता भी है जी, ये आम आदमी वास्ते, ना कि पर्टिकुलर अपनी भाषा के लोगों वास्ते है, इस वास्ते असा हिंदी गाल की है। हाँ। वरना ऐसी कोई गाल कोई नहीं कि असा अपनी भाषा च गाल कर सकते हैं और इंदे कोल अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल। इस वास्ते ऐसी कोई गाल कोई नहीं, तो तुसा लोग बिल्कुल भी ये गाल ना सोचाने कि हाँ भाई अपनी भाषा च गाल ना करके हिंदी च गाल कीती है तो क्यों कीती, क्यों कीती है। अब मैं इसी बात का उर्दू हिंदी में बता देता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें वो ज़बान नहीं आती है जो इन्होंने बोली है, ऐसा आप ना सोचें जो कराची साइड में रहते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई आप हिंदी उर्दू में बात किया कीजिए, ये उनको भी बता देते हैं और दूसरों को तो बता ही दिया है। दुनिया के मुख्तलिफ देशों में हमारे व्यूवर्स बैठे हैं जो स्पेशली कर्नाटका के हैं, आंध्रा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, वो जब हमारे कुछ वीडियोज़ देखते हैं जो कि मुल्तानी ज़बान में होते हैं या पंजाबी ज़बान में होते हैं या कभी बार हम लोग हरियाणवी ज़बान में करते हैं, तो उन लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि यार आपके वीडियोस अच्छे होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आते। तो अभी ये वीडियो, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक था जिस पे वीडियो, जिस टॉपिक पे हमने आज तक कभी बात नहीं की, कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी सामने थी जिसके साथ मुझे लगा कि हिंदी उर्दू इस ज़बान में हमें बात करनी चाहिए और इस बातों को, इन बातों को वो आदमी भी देख पाएं जो हमेशा से हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकरार के वीडियो देखते हैं। तो ये एक समझौता वीडियो था क्योंकि हम लोगों ने समझौता एक्सप्रेस चलाई थी, और बाकी अगर आप कहेंगे कि नहीं हमें उस ज़बान में भी कुछ सुनना है, तो जब तक डेरेवाल वाले लोग नहीं कहेंगे मैं इनके पास दोबारा नहीं आऊँगा, ये मेरा वादा आपसे। बाकी आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। अरे नहीं जी, आप आए हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और हाँ मैं बता दूं कि इनका लगाया हुआ एक पौधा बीकानेर में बैठा है, इनकी बेटी प्रियंका दीदी, प्रियंका अब छोटी है या बड़ी है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बहन है वो, उसने मुझे कहा था कि भाई विराट तू मेरे फादर साहब का वीडियो ज़रूर कर, उन्होंने बस चलाई आई। वल मैं बीकानेर गया मैं पिछले 15 दिहाड़े पहले, उत्था मैं हूँ को फ़ोन किया कि मैं बीकानेर हाँ, वो बाय चांस अपने घर आई हो आई, इतना पेके आई हो आई,
तहीं करके वो मिली गया नहीं। वल मैं हूँ इन्हों को फोन किया है ता मेरे को टाइम मिल रहा है, अदरवाइज है 2 महीने पुराना किस्सा है। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार जी। देवेंद्र जी कबड्डी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये दिल्ली है। देवेंद्र जी आप दिल्ली रोडवेज में काम करते थे? दिल्ली रोडवेज नहीं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। दिल्ली ट्रांस, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। यही है पुरानी दिल्ली। देवेंद्र जी आप यानी मेरे सर पे बोल रहा है ये तो गली में तो दिल्ली रोडवेज कॉरपोरेशन कसम से